बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने वाले स्टूडेंट मौजूद हैं और इनसे कुछ सवालात और मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या जब वो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? उस्मान इदनान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। आपकी टीचर का क्या नाम है? हंसा। आपको अपनी टीचर की कौन सी जो है वो बात सबसे अच्छी लगती है? आपको अपनी टीचर अच्छी लगती है जी। आपको और कौन अच्छा लगता है? सब। सब में कौन कौन? दादी, मम्मा, टीचर, आप भी। मैं भी अच्छा लगता हूँ। मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? इसलिए आप हमें ये नहीं पता। अच्छा बताएं आपको कि आपके पापा क्या करते हैं? बिप्लस कंपनी में काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा तो आप बड़े होके क्या काम करेंगे, क्या बनेंगे? पायलट बनूंगा। अच्छा तो पायलट क्या करता है? मैं खाना ताबा पे भेजूंगा। अच्छा तो किस किस को खाना ताबा भेजोगे? सब तो। मुझे भी जी। कितने पैसे लोगे? 100 रुपया। 100 रुपये में पायलट बना के जब जहाज़ पे भेज दोगे जी। तो और बताओ आप क्या करते हो पूरा दिन घर पे? वो मैं यहाँ से घर जाता, फिर रोटी खाता, फिर ट्यूशन चला जाता, फिर शाम तो आता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर स्पार अपने चला जाता हूँ, फिर पान में मोबाइल लेता हूँ, फिर चना मैं, फिर मामा तो मैं मोबाइल दे देता हूँ, फिर चना मैं रोटी खाते हैं, फिर सो जाते हैं। अच्छा तो आपको गेम कौन सी अच्छी लगती है? सुपर। वो उसमें क्या होता है उस गेम में, मुझे तो नहीं पता, बताएं। बटन टस से आधे तटते हैं, फिर ऊपर तटते हैं, फिर जम मारते हैं, फिर वो चीजें आ जाते हैं, फिर वो पत्थर से आधे जाते हैं, फिर वो पार हो जाती है। अच्छा तो आपको सबसे अच्छी बुक कौन सी लगती है? इंग्लिश। इंग्लिश क्यों, वो क्यों अच्छी लगती है? इसलिए वो आसान है। अच्छा वो आसान है। और सबसे मुश्किल कौन सी बुक लगती है? उर्दू। उर्दू क्यों मुश्किल लगती है? इसीलिए इसका मुझे पढ़ना नहीं आता। अच्छा उर्दू पढ़ना नहीं आती, तो आप उर्दू नहीं बोलते घर पे जी? अच्छा तो फिर उर्दू क्यों नहीं पढ़ना आता आपको? ता नहीं। चलो उर्दू आपको सिखाएंगे, उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है ना, उर्दू तो लाजमी आनी चाहिए। अच्छा तो और आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आतिफ। कौन सी क्लास में आपके साथ पढ़ता है जी? अच्छा तो क्या उसमें ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आपको वो बहुत अच्छा लगता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर क्यों अच्छा लगता है आपको? वैसे तो कोई नहीं अच्छा लगता, कोई बात है तो अच्छा लगता है। नहीं वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा अपनी मामा और पापा को क्या आप जब वो मैसेज देंगे? तो मैंने आज छोटे सा वीडियो बनाई थी। अच्छा तो पापा को क्या कहोगे? पापा तो ढूंढा पैटी नेट चलाते हैं, हमें मुझे वीडियो दिखाओ। अच्छा पापा के लिए है कि नेट जब पैकेज करके मुझे जब वीडियो दिखाए, और मामा के लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम, क्या कहेंगे? सादा मेरी वीडियो बनी थी। अच्छा और दादी अम्मा के लिए? दादी अम्मा तो भी यही ढूंढा। अच्छा। और अपने जो दोस्त हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ते सच्चे साथ मेरी वीडियो बनी थी। अच्छा तो बस यही कहेंगे। और बताएं आप नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं? जी। अच्छा कितनी नमाजें हैं हमारी, हम पे कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। 5। उनके नाम आते हैं आपको? फजर, जोहर, मगरिब, ईशा। तो ये तो 4 हुई। ए नहीं आती। असर की आपने छोड़ दी, असर फिर मगरब फिर ईशा। तो आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं? मैं 4। 4। तो कौन सी वाली नहीं पढ़ते? असर। असर नहीं पढ़ते या सुबह की नहीं पढ़ते? सुबह तो नहीं पढ़ते, बाकी सारी पढ़ता हूँ। तो सुबह जल्दी नहीं उठते जी? जल्दी उठ के वो भी पढ़ा करें, ठीक है? तो एंड पे अल्लाह हाफिज़ कहें सबको। चलें ये हम आपकी वीडियो जो है वो शेयर करेंगे, और आपने जब बड़े होके जब पायलट बन जाना है तो फिर आपने अपनी टीचर को भी और हमें याद रखना है, ठीक है? फिर आपने प्रॉमिस किया कि 100 रुपीज़ में आपने हमें खाना काबा लेके जाना है, ठीक है? तो 100 रुपये मैं आपको भी दे दूँ कि जब आप लेके जाएंगे तब दूँ? तब मैं लेते जाऊँगा तब। चलें ना आप देखें, बच्चे ने वादा किया कि 100 रुपये में ये हमें जब वो उमरा और हज पे जा खाना काबा लेके जाएंगे। अब देखते हैं, बच्चे के ख्वाब तो बड़े हैं, बच्चा भी हमारा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, तो अल्लाह ताला इसके जो ख्वाब हैं
ये छोटे छोटे बचपन में सबके ख्वाब होते ही हैं, तो अल्लाह इनको जो इनके ड्रीम्स हैं उनमें उनको पूरा करे, और इसको अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का अपने बड़ों का ओबीडियंट बनाए। नाज़रीन, हम अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह।